मुरादाबाद के मशहूर एक्सपोर्टर मैसर्स नोदी एक्सपोर्ट के पार्टनर, युवा उद्यमियों की संस्था यस के नेशनल चेयरमैन और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के तत्वावधान में 15 से 19 अप्रैल 2020 तक आयोजित किए जाने वाले स्प्रिंग फेयर के चेयरमैन नीरज खन्ना ने मांग की है कि मुरादाबाद की ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी को सरल बनाया जाए, जीएसटी की वापसी में विलंब ना हो, निर्यातकों को इनकम टैक्स में छूट दी जाए तथा ड्रॉबैक की दरें बढ़ाई जाएं अथवा किसी अन्य तरीके से निर्यातकों का पोषण किया जाए। युवा निर्यातक नीरज खन्ना 6 फरवरी की शाम को दिल्ली रोड मुरादाबाद स्थित अपनी फर्म में सिटी चैनल 24 के साथ बातचीत कर रहे थे। स्प्रिंग फेयर 2020 के बारे में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में फेयर कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि सबकी सहमति से इस बार स्प्रिंग फेयर फरवरी के स्थान पर अप्रैल में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि फेयर और अधिक सफल हो, और ऐसा ही होगा भी। फेयर में मुरादाबाद के लगभग 2500 निर्यातकों सहित लगभग 3500 निर्यातक भाग ले रहे हैं। फेयर में हजारों बायर्स के आने की उम्मीद है। फेयर को और अधिक सफल बनाने के लिए बायर्स के ठहरने के लिए विशेष पैकेज, कॉफी हाउसेस की व्यवस्था, वाईफाई की बेहतर सुविधा, स्मोकिंग जोन की व्यवस्था आदि सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बजट 2020 से अपनी बात शुरू करते हुए यस के नेशनल चेयरमैन व फेयर कमेटी के चेयरमैन नीरज खन्ना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बजट में निर्यातकों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। जो बजट अभी डिक्लेयर हुआ है उसमें निर्यातकों को बिल्कुल अलग रखा गया है। एक्सपोर्टर्स के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है इधर, और जो सुविधाएं के लिए हमने सरकार से अपनी मांग रखी थी एसोसिएशन के माध्यम से, काउंसिल के माध्यम से, उसमें सरकार ने उसको अनदेखा करा है। और मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्टर से ही देश की इकनॉमी चलती है इधर, तो और अन्य कंट्रियों की तरह निर्यातकों का भी सबसे बड़ी मांग तो जो है, मैं अपने एसोसिएशन और काउंसिल की तरफ से सरकार को ये रखूँगा कि जीएसटी में जो है सरलीकरण करें, जिससे एक्सपोर्टर्स का जो पैसा आज की तारीख में ब्लॉक रहता है और हमारी वर्किंग कैपिटल भी ख़त्म हो गई है, बैंकों से कर्जा लेकर के हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट महंगा होता है। जितना हम खर्चा करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, उसको उसको जो है ब्याज के माध्यम से महंगा करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो मैं यही सरकार से चाहूँगा कि इसको जीएसटी को ख़त्म करा जाए, सरलीकरण करा जाए और जो इनकम टैक्स में रियायत करी जाए। ड्रॉबैक में तो कुछ तब्दीली हुई नहीं है हम लोगों के लिए, जो आज से 1 साल पहले चल रहा था उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने रखा है। और तो गवर्नमेंट का 2 साल से 3 साल से इस तरह की मंशा रही है कि ड्रॉबैक ख़त्म करना है एक्सपोर्टर्स का, तो आज ड्रॉबैक ना की बराबरी, एक्सपोर्टर्स को इंटेंसिव की आवश्यकता है। जी अब वो चाहे गवर्नमेंट किसी भी रूप में दे, चाहे वो हमें जो हम लोग लोन लेते हैं बैंक से, पैकिंग क्रेडिट लिमिट बोलते हैं इसको, उसको और सस्ता करे, जी जीएसटी कम करे, या ड्रॉबैक की दरें या बढ़ा दी ड्रॉबैक जाए। की दरें बढ़ाए या फोकस बढ़ाए। या पीछे सुनने में ये आ रहा था कि गवर्नमेंट एक कंबाइंड स्कीम निकाल रही है जिसमें जो है 9 से 10% जो है सरकार एक्सपोर्टर्स को देगी, वो उस तरह की कोई स्कीम गवर्नमेंट को लेके आनी चाहिए। महीना अप्रैल फरवरी से जो अप्रैल शिफ्ट करने का जो तात्पर्य था, जी उसके पीछे बहुत ही हम लोगों ने बैक एंड फोर्थ होमवर्क करा। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा एटेंडम कर एटेंडम दिया कर हो। दिया जी इसको। हम जो पिछले 2 साल से मॉनिटरिंग कर रहे थे और लोगों के व्यूज़ ले रहे थे, दो साल में 4 फेयर अगर लगे हैं, चारों फेयरों में हमने एक्सपोर्टर्स से, बायर्स से, बाइंग एजेंटों से फेयर को शिफ्ट करने का जानकारी हासिल करी। उसमें अलग अलग तरीके के व्यूज़ आए लोगों के, उस व्यूज़ को हमने कंबाइन करा, फिर हम लोग आपस में बैठे, फिर
व्यू यही निकल गया है कि भाई अब फरवरी का फेयर दिन दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है, एक्सपोर्टर्स को लाभ नहीं हो रहा अभी तक। तो हमारा यही मंशा थी कि हम जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, ये फेयर ज्यादा सफल हो, ज्यादा कामयाब हो, ज्यादा सफल हो, ज्यादा कामयाब हो। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय करा, हमारी कमेटी ने निर्णय करा कि भाई हम इसको फरवरी से मार्च अप्रैल में लेके जाते हैं, जी। और जो अप्रैल में करने से ईश्वर जो करता है वो बहुत ही अच्छा करता है। आज अगर हमारा फेयर फरवरी में होता तो इस समय जो कोरोना वायरस का इशू चल रहा है कहते हैं, उससे फ्रैंकफर्ट का जो फेयर संभावना यही हो रही है कि फ्रैंकफर्ट का फेयर 50% जो है ऑलरेडी खराब हो चुका है। जी 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 चाहूँगा कि इस बार फेयर में हम लोगों ने अपने बायर्स के लिए एक पैकेज, विशेष पैकेज निकाला है, जिसमें जो है $100 में हम अपने बायर्स को रुकने की सुविधा दे रहे हैं 5-स्टार होटल में, अच्छा जो पूरे NCR के जितने भी होटल हैं EPCS में, EPCS ने वो सारे होटल्स हायर कर लिया, हायर कर रखे हैं, और बायर्स अपनी इंक्वायरी EPCS को वेबसाइट के माध्यम से भेज रहे हैं। उसमें अभी तक करीब हमने 2,500 कमरे बुक करा रखे हैं, जिसमें जो है 700-800 कमरा ऑलरेडी बुक हो चुका है, वेरी गुड। बाकी कमरे अभी वेकेंट हैं, रोज बायर्स की इंक्वायरी आ रही है, और मैं समझता हूँ मार्च एंड तक जो है सारे कमरे हमारे बुक हो जाएंगे। क्योंकि हमने जो है अपने लोकल एसोसिएशंस के माध्यम से भी, चाहे वो मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन हो, चाहे वो यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी हो, इन दोनों एसोसिएशन के माध्यम से भी एक्सपोर्टर्स को ये सूचना भेजिए कि अपने अपने बायर्स को आप लिखिए और अपने बायर्स को इस सुविधा के बारे में बताइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और सभी लोगों का व्यापार हो सके। तो इसका मतलब ये उम्मीद की जाए कि इस बार ज्यादा तादाद रहेगी बायर्स की। लगता तो हम लोगों को यही है कि जो है फ्रैंकफर्ट फेयर खराब हो गया जी या हो जाएगा या होने वाला है, भगवान ऐसा ना करे किसी का हो, हम तो यही दुआएं करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि फिर फ्रैंकफर्ट फेयर बहुत अच्छा जाए, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के निर्यातकों ने उसमें काफ़ी अपना पैसा लगा लगा रखा है, तो उनका कामयाबी मिले उनको। जी लेकिन अगर किसी वजह से खराब जाता है, जो कि दिख रहा है कि खराब जाएगा, तो जो है हमारा फेयर लाजमी रूप से सक्सेसफुल होगा। स्टॉल को लेके क्या स्थिति है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी आपके सामने आई देखिए, जब एसडीए इतना में? बड़ा कोई फेयर मैनेज करते हैं तो दिक्कत परेशानियाँ लगी रहती हैं उसमें, जी और हर तरह के सामने दिक्कतें आती हैं, और हमारा काम है दिक्कत आए और हम फेस उसकी करें। फेस करें, और सुविधा जो दे सकते हो मैक्सिमम वो दें, वो हम कर रहे हैं काउंसिल के माध्यम से। कोई विशेष जानकारी देना चाहेंगे फेयर के हवाले से आप? फेयर में हमने इस बार और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला महत्वपूर्ण निर्णय तो जो है वाईफाई की, हमारी बहुत पीछे दिक्कतें रहती थी, तो इस बार हमने वाईफाई की नई कंपनियों को हायर कराया गया है, और उसको और बेटर करने के लिए उसकी GBP हमने और बढ़ाई है, जिससे कि एक्सपोर्टर्स को और वहाँ रहने आने वाले बायर्स को दिक्कत ना आए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा जो है एक्सपोर्टर्स के लिए एक हमने हर हॉल के अंदर एक कॉफ़ी हाउस बनाया है, अच्छा जिसमें जिसमें जो है एक्सपोर्टर्स को, बायर्स को जो बाहर भागने की प्रॉब्लम होती थी, वो हर बार बाहर जाते थे, अपना पास दिखाते थे, अंदर आते थे, फिर पास दिखाते थे, तो वो सारा समय और ये दिक्कतें कम हो जाएंगी, और बायर्स को भी वहाँ कॉफ़ी मिलेगी, और एक्सपोर्टर्स के जो अपने कर्मचारी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, सब के लिए बहुत सुविधा होगी। इसको हम हर हॉल में कर रहे हैं। कितने स्टॉल होंगे लगभग? स्टॉल हैं करीब आपके 3,500 एक्सपोर्टर जो है इसमें भाग लेता है, भाग दे रहे हैं 3,500। हाँ जी, दुनिया भर से। और इसमें एक हमने बायर्स के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए एक स्मोकिंग जोन भी बनाया है, गुड। उस जोन में आकर के अपनी अपनी तलब तलब जो है बुझा सकते जा हैं। सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं था, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करी है और बेहतर से बेहतर जो है फेयर को करें, और भी हमारे दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं एकदम, तो उसको हम अभी इम्प्लीमेंटेशन में चल रही हैं। प्लस एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे कस्टमर्स को रहती थी, अभी पीछे मैं जब पेरिस और कोलोन होके आ रहा हूँ, तो वहाँ मुझे बायर्स ने जो है एक सुझाव दिया कि आपके जो रेगुलर आने वाले बायर्स हैं, उन बायर्स के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन ख़त्म करिए। जो अच्छा बायर 5 साल, 2 बार, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल से लगातार आ रहा है, वो भी आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन की लाइन में खड़ा होता है।
तो बायर्स का ये कहना है भी हम रेगुलर आ रहे हैं, हमारा सारा डाटा कौंसिल के पास है, तो हमको एग्जेम्प्ट किया जाए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से एग्जेम्प्ट करा जाए। उसमें जो है कौंसिल को हमने ये सुझाव दिया है कि कौंसिल एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू कर दे, उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से बायर अपनी अपने देश में बैठ करके, अपने सिटी में बैठ करके, अपने ऑफिस में बैठ करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और रजिस्ट्रेशन जैसे ही उसका क्लिक हो गया और वो दर्ज हो गया कि वो फेयर के अंदर आ गया है, आने के बाद जो है उसमें बायर का समय बचेगा, जो लाइन में लगता है खड़ा होता है उसको दिक्कत आती है, और जब वो समय हम लोग अपने व्यापार में इस्तेमाल करेंगे तो इसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा, इसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। इसकी भी प्रक्रिया भी चल रही है कहते हैं, क्योंकि इसमें काफी बड़ा सॉफ्टवेयर का एक खर्चा है कहते हैं, लेकिन जो है राकेश जी इस पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं कहते हैं, उम्मीद है कि हम इसको इसी फेयर से लागू कर देंगे।